अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबील हसन खान अपनी टीम के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना लुंडियावाला की हदूद में, और यहाँ हमारे मौजूद होने की वजह पुलिस का एक शानदार कारनामा है कि 14 साल पहले होने वाला एक दोहरा कत्ल जिसका मुलजिम 14 साल से मफरूर था आज सलाखों के पीछे है। ये मुलजिम 14 साल कहाँ रहा, क्या करता रहा इस 14 साल के अरसे में, और पुलिस की गिरफ्त से ये 14 साल क्यों बाहर रहा, और अब पुलिस ने इसको किस तरह से गिरफ्तार किया, और सबसे अहम सवाल कि अब इस केस की तफ्तीश किस तरह से की जाएगी। तमाम शवाहिद, सबूत और फिर गवाहान कुछ तो मौजूद हैं और कुछ इस दुनिया से जा चुके हैं या फिर मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। इस ये एक बहुत बड़ा अगेन चैलेंज है। एक संगे मील को अबूर किया है लुंडियावाला थाना की पुलिस और SHO साहब और उनकी टीम ने, जबकि दूसरा चैलेंज अब उनके सामने है। मुलजिम रिमांड पे SHO साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त थाने में मुलजिम मौजूद है ये दोहरे कत्ल का। इसी से पूछेंगे कि ये क्यों इसने किया है, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ है, किस तरह से इसने उन दो अफराद का, एक खातून और एक मर्द का कत्ल किया है, और फिर इतना अरसा ये कहाँ रहा है। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। मुलजिम इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, खालिद फारूकी मुलजिम का नाम है, और 14 साल बाद पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए दोहरे कत्ल के इस मुलजिम को गिरफ्तार किया। बात करते हैं इससे कि इसने सब कुछ कैसे किया, क्यों किया, कहाँ रहा इतना अरसा, पुलिस जाती रही, पुलिस के हत्थे क्यों ना चढ़ा, ये सारी बातें हम इससे जानते हैं। हाँ जी जी, किस तरह कीता है सारा कुछ? सर मैं मेरे भाई का जिहड़ा केस है ना जी, पहला सब तो पहला इन्हें मेरे भाई नूं कतल किया है जी। उस तो बाद मेरे नूं धमकियां लाते सन, मुकदमा दरा ही सी, इन्होंने कहा कि सुलह कर लवो। इस दे बावजूद मैं इन्हों तो अपनी जान बचाद होया मैं साइड से हो गया सर, लिहाजा ये कि मैनू, मैं बेकसूर हाँ इस काम तो, मैनू कोई इलम नहीं है जी। मैं जाके साइड से मेहनत मुशक्कत करके अपना गुजर बसर कर रहा हूं। अच्छा, करण तो बाद साइड से होया है? मैं सारे काम नहीं किया है। अच्छा, फिर मफरूर क्यों सागर कीता रही थी? मैं तो अपनी जान, मेरे घर के जड़े ने वो भी मेरे नाल मुखालफ हो गए, कहते सी कि मुदई के अपने जिन्होंने मेरे भाई का मर्डर किया सी, वो कहते सी अपने भाई नूं कहो कि सुलह करन, तो मैनू धमकियां ना देंदे कि तुहाडी तौण दे विचों सारा गया काट देना। खालिद, ना बड़ा लंबा अरसा होंदा, कोई एक दो दिन की गल नहीं है। मुलजम मुजरम अपनी सज़ा कट के तो वापस आ चुके होंगे ने इस अरसे के दौरान, जिन्ना टाइम मफरूरी तो कटी है, और ये पुलिस नू ते इतमाद नहीं सी है, की वजह है, क्यों इन्ना अरसा जड़ा तू कहना कि तू कीता भी कुछ नहीं है, जिन्हें कीता ना कुछ होवे वो ते बड़ा कॉन्फिडेंट होंदा, वो ते फौरन आंदा, वो कहना कि मैं हाजिर हाँ, मैं तफ्तीश करो, मैं जिथे बिठाओ मैं उत्थे बैठांगा और मैं तुहाडियां सारे सवालों का जवाब देंगा, तो क्यों इन्ना अरसा मफरूर? मैं हजूर ला इलम है, मेरा जो भाई का डेथ हुई है ना, मैनू यह तलाब पहुंची है जी। अच्छा, तीन महीने तो पहला उदो किथे सन? मैं नौशा पाक सन। अच्छा, नौशा पाक जी। अच्छा। मैं उधर मस्जिद च इमामत करता सन। अच्छा, ये केड़े सन दी गल है? ए हुण ए 2 साल हो गए। अच्छा, ए हुण 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 जदों भाई दी डेथ हुई है जी, 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 दूसरे भाई दी डेथ हुई? हां जी, इस तो पहला 2-3 साल तो मैं इथे नौशा पाक सन। अच्छा, नौशा पाक उत्थे मस्जिद दी इमामत कर रहा सा, ते ए जेड़ा मामला होया, तैनू इहदा पता सी भी दो बंदे मर गए ने, इस तरह किन्ने मारे ने? मैनू इहना कोई इलम नहीं आया जी। अच्छा, तैनू पता ही नहीं है कि किस तरह किन्ने मारे ने, की मामला होया? इसदे बारे कोई इलम नहीं जी। पुलिस जांदी रही है तेरे को? नहीं जी, पुलिस नहीं जांदी रही। अच्छा, ये दस भी तेरे इलम च नहीं है, तेनू पता नहीं है, फिर तू मफरूरी किस तरह किस हिसाब, कुछ समझ नहीं आ रही गल दी, थोड़ी खुल के दस की होया, की है मामला से? मेरे घर दे जेड़े ने ना जी, वो भी मेरे ना खफा सन। अच्छा। मैनू वो जेड़े सन धमकी दे। बच्चे किन्ने ने? मेरा कोई बच्चा नहीं जी। अच्छा, कोई बच्चा नहीं? शादी हुई? नहीं जी, शादी भी नहीं हुई। अच्छा, ये क्यों इन्ना अरसा फिर मफरूरी कटी? मैं हजूर इन्हां दे डर तो मैं साइड ते हो गया, उन्होंने कहा मैं तेन तुहानू भी नहीं छड़ना, किसी ने भी नहीं छड़ना। पुलिस नूं दस्या सी? मैं तो किसी ने उन्होंने भाइयों नाल गल की जी, मैं तो उन्होंने को मस के तंग हो गए, वो मेरे नाल मस के खफा होए ना जी, तो मैंने उन्होंने आख्या यार तू सानू की जलील किया, आवे तू अपना काम कर, जाके बच्चों पढ़ाया कर,
ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਬਲਪੁਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਲਪੁਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸਮਝ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਫਰੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾ ਛੱਡਦਾ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾ ਛੱਡਦਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਖਾਲਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਮਫਰੂਰ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਕੋ ਥਾਣਾ ਲੁੰਡਿਆਂਵਾਲਾ ਮੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਆਲਾ ਕਤਲ ਕਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਇਸਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਕੌਣ ਕੌਣ ਥਾ ਅਭੀ ਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਮਾਨਨੇ ਸੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੋ ਕਿਸੀ ਬਾਤ ਕਾ ਪਤਾ ਰਹਾ ਹੈ ਉਨ 13-14 ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਇਹ ਬਾਵਲਪੁਰ ਰਹਾ ਹੈ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਪੜਾਤਾ ਰਹਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮਦਰਸੇ ਮੇਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇਤਾ ਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਮਲਾ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਨਸੇ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਮੌਜੂ ਪੇ ਔਰ ਉਨਸੇ ਹਮ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਸੇ ਅਬ ਤੱਕ ਕਿਆ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਹਾਂ ਸੇ ਇਸਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਯੇ ਇਸਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਆਜ ਸੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਰਹਾ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੱਕ ਤਬ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲ ਕੈਸੇ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਇਲਮ ਮੇਂ ਹੈ ਸਰ ਨਾ ਇਹ 2004 ਮੇਂ ਕਤਲ ਹੁਆ ਹੈ ਇਨਕੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਕਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਥਾ ਉਸ ਪੇ ਇਸਕਾ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਕਤਲ ਹੁਆ ਖਾਲਿਦ ਕਾ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕਤਲ ਕੀਆ ਥਾ ਇਸਕੇ ਭਾਈ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 12-12 ਸਾਲ ਉਸੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਕੇਸ ਮੇਂ ਉਸਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਇਹ 2009 ਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹ 2004 ਕੇ ਬਾਅਦ 2009 ਮੇਂ ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਦ ਫਰੂਕੀ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋ ਥੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੇਗਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਰਹਾ ਹੈ 14-15 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਸਨੇ 2009 ਮੇਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਮੇਂ ਇਹ ਦੋ ਕਤਲ ਹੋਏ ਥੇ ਅਸਾਕਰ ਉਸਕੀ ਵਾਈਫ ਕੇ ਵਾਲਦਾ ਥਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਏ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 14-15 ਸਾਲ ਇਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹਾ ਹੈ ਅਬ ਇਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਕਾ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਕਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਾਰੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾਈਏਗਾ ਕਿ ਇਹ 2009 ਮੇਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲ ਹੈ ਇਹ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ ਪੇ ਇਸ ਤੌਰ ਪੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕੇ ਭਾਈਓਂ ਪੇ ਪਰਚੇ 216 ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੀਏ ਜਿਸ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀ 2-3 ਪਰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਰਾਈ ਕੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰੋਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਹਮ ਮੁਤਹਿਦੋਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅੱਛਾ ਤੋ ਅਭੀ ਇਹ ਕਹਾਂ ਥਾ ਇਹ ਅਭੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਆ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਸੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਬਤਾਈਏਗਾ ਕਿ ਵੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾਏ ਹੋ ਗਈ ਥੀ ਇਹ ਵੋ ਪਕੜੇ ਗਏ ਥੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਪਕੜੇ ਗਏ ਥੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਥੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬੇਗਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਏ ਥੇ
और एक आदमी को सजाए मौत हो गई थी। एक आदमी को सजाए मौत हुई थी और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन उस केस की मुकम्मल हो गई, उसकी फाइल क्लोज हो गई। अच्छा, अभी ये दोहरा कत्ल है, आला कत्ल इससे बरामद हुआ है, चूँकि 14 साल पहले का ये वाकया, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जो है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लिहाज साहब, ये किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं? इसे सारा ऐसे ही है कि इसके पास जो है इन्हें गाने से फायर किया, जो कत्ल है मर्डर हुए हैं वो हमें इसे बरामद करनी है, तो रिमांड लिया है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इस दौरान कोई सुलह के लिए भी कोई मामलात होते रहे हैं? कुछ ये भी हमारे इल्म में आया, ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि सुलह के लिए भी कोशिशें की जाती रही हैं? हमारी पास तो कोई ऐसी खबर नहीं आई, हमारी तो कोशिश यही रही है कि इसे पकड़ा जाए, ताकि जो भी है अगर कत्ल इसने किया है तो इसे सज़ा होनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि इनके सुलह वगैरह चलती रही है। बिल्कुल ठीक है। 14 साल पहले दोहरा कत्ल होना और फिर उसके बाद अब इस मुलजिम का सलाखों के पीछे होना, ये यकीनी तौर पे पुलिस के लिए इसको पकड़ना भी एक चैलेंज था, और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शवाहिद जो सबूत हैं उस वक्त के ऐनी शाहिदीन हैं, कुछ होंगे उनमें से और कुछ नहीं होंगे, कुछ राज़ी होंगे गवाही देने के लिए, तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक उलझा हुआ केस है। मुलजिम को पकड़ लेना ही नहीं, इससे आगे अब अगली कहानी शुरू होती है कि इसको इन्वेस्टिगेट पुलिस ने किस तरह से करना है, ताकि करार वाकई सज़ा इसको दिलवाई जा सके, और जो मेरिट पे है वो इस केस की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल की जा सके। इलियास साहब से एक सवाल और करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस मुलजिम के जो दीगर साथी हैं उनमें कौन कौन था और अभी उनका क्या स्टेटस है? इलियास साहब बताइए कि कितने लोग थे तब नामजद? मेरा ख्याल ये 4 आदमी थे। अच्छा। 5 थे जिनको भेगना, 4 ये था, 4 भेगना हो गए हैं। मकामी पुलिस भी और आ रही भी, जो भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है वो भेगना हुए थे। आते रहे हैं वो, जब पेशियां होती रही, पेशियां आते रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए तो उनके मेरिट पे फैसला हुआ। ये आदमी जो था ये काफ़ी अरसा से गायब था। ठीक है। असल जो है ना वाला जो है वो यही था। चलें जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी इलियास साहब की और मुलजिम से भी बात की, अब इससे अगला चैलेंज जो है वो पुलिस के लिए इसको इन्वेस्टिगेट कर। SHO थाना लुंडियावाला मोहम्मद शाहिद पन्नू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस की डिटेल्स जो हैं वो हम इनसे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि ये एक बड़ा चैलेंज है इसको इन्वेस्टिगेट करना ख़ास तौर पे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, 14 साल बाद ये मुलजिम गिरफ़्तार हुआ है, पहले तो ये बताइए ये मामला शुरू कहाँ से होता है और फिर इतना अरसा ये मफरूर कैसे रहा, पुलिस की आँखों से ओझल किस तरह से ये रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं इसमें यह गुजारिश करता चलूं कि ये एक ओल्ड एनिमिटी केस है। जो आरपी साहब फैसलाबाद, सीपीओ साहब फैसलाबाद और आईजी साहब पंजाब हैं, उनकी खसूसी हिदायत है कि जो केसेस ओल्ड एनिमिटीज़ वाले हैं जिनमें से एक से ज़्यादा केसेस पहले ही दर्ज हो चुके हैं और नक्शे अमन का ख़दशा है और दोबारा ख़दशा है कि कोई और जो है वो कत्लो गारत का ख़दशा होता है, उसको ये स्पेशल फोकस किया गया है। मैं भी जब थाने में आया हूं तो मैंने अपने ओल्ड एनिमिटी केसेस निकलवाएं, ये हमारा एक बड़ा अहम ओल्ड एनिमिटी केसेस था। इसमें ये 4 चक है हमारे इधर थाना के ज्यूरिसडिक्शन में आता, ये बेसिकली आपस में रिलेटिव हैं। ये उस गांव में मस्जिद जो है, मस्जिद को कुछ सरकारी ज़मीन, कुछ कनाल सरकारी ज़मीन अलाट हुई है। चूँकि ये सारे रिलेटिव्स हैं, एक ख़ानदान से हैं, तो वो उस ज़मीन की एंटाइटलमेंट का इनका आपस में तनाज़ा शुरू हुआ है। ये तनाज़ा इनका 2004 में शुरू हुआ है। 2004 में जो ये मफरूर हमारा मुजरम इश्तिहारी है खालिद, इसका भाई जवेद उस तनाज़े में कत्ल हो गया। 2004 में पहले इसका भाई कत्ल होता है,
2004 में जब इसका भाई कत्ल हो जाता है तो वो केस 2/4 थाना लुनिया वाला में दर्ज हो जाता है और उसकी तफ्तीश शुरू हो जाती है। तफ्तीश के बाद उसमें से टोटल चार नामजद मुलजमान होते हैं, जो उसमें से एक जो है वो कन्विक्ट हो जाता है और तीन मुलजमान बरी हो जाते हैं। फिर चूँकि ख़ानदान वाले इनके आपस में जो है वो सालसी करके इनको बिठा के तो इनका तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। 2009 जून में ये वाक़या हुआ है। 2009 जून में जो 2/4 जो इसके भाई के कत्ल का नामजद मुलज़म था इसहाक, जो कि बरी हो चुका था उस वक़्त, वो और उसकी माँ हबीबा बीबी बेसिकली गांव में आए हैं और वो चाहते थे कि इस जो ये तनाज़ा है इसको ख़त्म किया जाए, सुलह की बात करने आए हैं। सुलह की बात करने के बाद इनसे डायरेक्ट तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो बंदे थे जिन्होंने कहा हुआ था कि हम आपकी जो है वो सालसी करवा के ख़त्म करवा देते हैं, उनसे मिलके तो वो अपने घर चले गए। चूँकि वो चार का अपना घर छोड़ चुके थे, 2009 में जब वो अपने घर गए हैं तो इस रंजिश पे ये खालिद ने इश्तियाल में आके सुलह नहीं हो चुकी थी। अभी बात चल रही थी, अंडर प्रोसेस थी बात, ये खालिद के भाई जवेद की बात अंडर प्रोसेस थी। तो ये अपने घर गए हैं तो इसी चीज़ का इनको रंज था कि अभी सुलह नहीं हुई तो इन्होंने अपने घर का ताला क्यों खोला है और अपने घर में दाखिल क्यों हो गए हैं, या शायद ये वापस आके इसी गांव में अब दोबारा रहायश पज़ीर हो गए हैं, इन्होंने हमारा भाई मारा हुआ है, तो ये हमलावर हुए हैं और उसमें मौके पर ही इन्होंने फायरिंग की और मौके पर इसहाक और उसकी वालदा हबीबा बीबी की मौका पर ही डेथ हो गई। मौका पर जब डेथ हो गई तो इन्होंने ये तीन भाई थे जिनको नामजद FIR किया। तो चूँकि जो सरकमस्टांशनल एविडेंस थे, बाकी इसमें तफ्तीश हुई, तो तफ्तीश में जो दोनों भाई थे इसके वो मौके पर मौजूद नहीं थे, ये अकेला ही वकूआ करने वाला था। वो जो थे भाई उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस कलेक्ट होने के बाद उनको प्रोसिक्यूट किया, जिसमें वो ऑन द एविडेंस बेसिस बरी हो गए। ये तब से भाग गया क्योंकि ये वकूआ करने वाला असल कल्प्रिट ये था, इसे पता था मैंने किया हुआ है, ये भाग गया। ये जब भाग गया तो मैंने आके जब ओल्ड एनिमिटी केसेस निकाले तो ये सबसे अहम केस था, इस पे हमने काम करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये कहीं दूर साउथ पंजाब की तरफ चला गया, लेकिन ऑन एंड ऑफ ये अपने गांव में आता रहता है। ठीक है, इसके ऊपर फिर हमने जो हमारी PO टीम थी उसने टेक्निकल ज़राए से इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो इसकी हमें कुछ लोकेशंस जो थी वो आना शुरू हो गई इधर की, कि ये महीने में 1-2-3 दफ़ा इधर अपना गांव आता है, छुप छुप के आता है, रात को आता है और निकल जाता है। फिर हमने उस पर जो है वो बंदे उधर लगा दिए रैकी पे, फिर जब ये आया तो ये गिरफ़्तार हो गया। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये जब जिस दौरान ये 14 साल का अरसा एक बड़ा लंबा अरसा होता है, इस दौरान आपने इनके दूसरे भाइयों को भी पुलिस ने अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा, प्रोसेस एक होता रहा, तब ये मौजूद था यहाँ या ये जा चुका था, तभी ज़िला छोड़ के शहर छोड़ के ये कहीं गायब था, ये कुछ इस मुतालिक बताइए, इसके पास से मुतालिक। जो अभी तक इसके कन्फेशन सामने आए हैं, इंसिडेंट के तकरीबन 3-4 साल तक तो ये बिल्कुल मंजर से गायब हो गया है। जब थोड़ा सा मामला ये पुराना हो गया, आपको भी पता थोड़ा सा मामला पुराना हो जाए तो उसकी ग्रेविटी वो वाली नहीं रह जाती, तो वो थोड़ा सा जब मामला पुराना हो गया तो ये जो इसके पिछले थे भाई, इनसे ये रابطہ करने लगा और अब ये इसने दौरान तफ्तीश ये बात बताई है कि ये आता जाता रहता था, लेकिन बहुत मुहतात हो के, मतलब रात के टाइम आना मिलना और फिर चले जाना। तो अभी रिसेंटली इसके भाई की डेथ हुई है तो वहाँ भी हमने रैकी लगाई रखी इसकी, लेकिन उसके बाद जब ये आया है तो फिर ये इधर से पकड़ा गया है और ये जहाँ रहा है वहाँ ये बतौर इमाम मस्जिद ही रहा है, वहाँ किसी गांव में ये बतौर इमाम मस्जिद रहा और इमामत करवाता रहा है वहाँ पे, और वहाँ भी किसी को ये शक नहीं गुजरा कि मतलब जैसे आपने उनका उलिया देखा है कि बारिश है सारा, तो वो किसी को ये शक नहीं गुजरा कि ये कहीं पीछे जो है वो इतना बड़ा वकूआ करके आया हुआ है। अच्छा ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि ये आता भी रहा है और ये मामला भी रहा है, अब चूंकि एक लंबा अरसा हो गया है, ये बहुत लंबा वक्त है 14 साल का, एक बहुत बड़ा टाइम स्पेन है, इस दौरान शवाहिद, सबूत, गवाह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई हैं, तो
किस तरह से थोड़ा बताइएगा, किन लाइंस पे इसको इन्वेस्टिगेट आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा इशारतन कुछ चीज़ें बताइएगा। जी बिल्कुल, आपकी बातें ये हैं कि 2009 के बाद जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसीजर्स हैं उनमें बड़े रेवोल्यूशन आए हैं। ठीक है, PFSA आ गई, PFSA जो है वो 2009 के बाद आई, जो पहले क्राइम सीन से जो एविडेंस कलेक्ट करने में पुलिस की मदद करती वो उस वक्त नहीं थे। तो इतना जो पुराना केस है उसको प्रोसिक्यूट करना डेफिनेटली एक चैलेंज होता है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें जितनी भी हम मेहनत कर सके, हम मेहनत करके जितने भी एविडेंस हैं उनको कलेक्ट करके और इंशाल्लाह प्रोसिक्यूट करवाएंगे इसको। शाह साहब एक चीज़ और बताइए कि पहले जो वाक़ हुआ था उसके बाद सुलह की कोशिशें की जाती रही, सालिस बीच में कुछ पढ़ के कुछ लोग जो बड़े वो करवाने की कोशिश करते रहे, अभी भी इन 14 सालों के दौरान कोई ऐसी कोई सीरियस एफर्ट हुई है आपके नॉलेज में, कोई आई हो कोई इस तरह की कोशिश? नहीं, जब ये दूसरा मर्डर हो गया तो इनकी फिर सुलह वाली कभी कोई बात हमने जो मैंने आके जो पूछा है अभी तक इनकी कोई सुलह वाली बात दोबारा नहीं हुई। अच्छा, आला कत्ल से मुतालिक क्या बता रहा है, इन्वेस्टिगेट किया है इसको? ये अभी चूंकि गिरफ्तार किया है, अभी इसका रिमांड जो है ये ऑन रिमांड है, इंशाल्लाह इसके रिमांड में आला कत्ल के मुतालिक भी पूछेंगे, इंशाल्लाह आला कत्ल बरामद भी करेंगे और इसको इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसिक्यूट करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वैसे क्या रिपोर्ट्स क्या हैं, क्या फाइंडिंग्स क्या हैं कि किस तरह से पिस्टल से, गन से या फिर कुल्हाड़ी के वार करके या किसी और चीज़ से इसने ये सारी वारदात की? जी ये राइफ़ल से वारदात की गई है, इसके पास राइफ़ल थी, तो अभी इंशाल्लाह वो राइफ़ल बरामद भी करेंगे, वो राइफ़ल बरामद करके तो मज़ीद जो इसके ख़िलाफ़ जितने भी एविडेंस हैं उनको सफ़ा मिसल पे लाया जाएगा। अगेन बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए इस केस को, एक तो एक संगे मील तो अबूर कर लिया कि इतने पुराने एक्यूज़ को सलाखों के पीछे तो ले आई पुलिस, लेकिन अब इसको इन्वेस्टिगेट करना ख़ास तौर पे और उन शवाहिद पे बात करना, उन गवाहान से जिरा करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इब्तदाई तौर पे पुलिस के लिए। रिमांड पे है पुलिस के पास, मुलजिम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कुछ और चीज़ें इस केस से मुतालिक जानी जाएं और किसी आला ऑफिशियल से पुलिस के इस केस से मुतालिक बात करते हैं कि ऐसे केसेस में उमूमी तौर पे तफ्तीश को किन खतूत पे आगे बढ़ाया जाता है और किस तरह से क्या इसका मुमकिना ड्रॉप सीन हो सकता है। मौजू बड़ा अहम है और ये वाक़या बड़ा अजीब सा है बयान करने में भी। SP जड़ावाला टाउन बिलाल सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इससे मुतालिक बात करते हैं और जो दीगर पहलू हैं इस अफसोसनाक वाक़े के वो भी इनसे डिस्कस करते हैं। सर बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त का, कहिएगा कि ये वाक़या किस तरह से पेश आता है और मुलजिम सलाखों के पीछे है, क्या कुछ इन्वेस्टिगेट हो चुका है उससे, क्या क्या बता रहा है कि क्यों उसने अपने भाई और भतीजे का कत्ल किया? जी ये 29 जून का वाकया है, चेक नंबर 68 गाफ पे है, थाना सदर जड़ावाला, इसको लगता है जड़ावाला तहसील में। इसमें काशिफ और आसिफ दो भाई हैं जिनका आपस में कुछ माल मवेशी का तनाज़ था, शायद काशिफ ने कुछ जानवर बेचे थे जिनके हिस्से के पैसे उसका छोटा भाई आसिफ मांगता था मगर वो पैसे नहीं देता था, वो उसको शायद री इन्वेस्ट करना चाहता था, तो दो भाइयों का आपस में लेन देन का मैटर था। भाई घर में मौजूद थे, पैसों के ही हवाले से इनकी तल्ख कलामी हुई, पहले इनकी वालदा ने उनके दरमियान जो लड़ाई झगड़ा था उसको ख़त्म करा दिया, सुलह करा दी, मगर उसके थोड़ी देर बाद फिर तल्ख कलामी हुई तो आसिफ ने छुरी लेकर पहले काशिफ पे वार किए और उसके बाद उसके 3-4 साल के बेटे मुजम्मिल हुसैन जो पास ही चारपाई पे सो रहा था उसने उस पर भी छुरी के वार करके उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसकी फरार हो गया। उनकी वालदा का जो है वो थोड़ा सा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना रहा ये सारी सिचुएशन देख कर, बेचारी माँ थी वो परेशान हो गई। 15 पे पुलिस को इतला दी गई, जब तक पुलिस पहुँची तब तक जो मुलजिम है वो वहाँ से फ़रार हो चुका था। हमने बॉडीज़ को प्रोसेस मुकम्मल किया और अल्टीमेटली हमने चंद दिनों के अंदर उस मुलजिम को ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया।
मुलजिम का इस वक्त यही कहना है कि भाई के साथ मेरा लेन देन का मैटर था, वो मुझे पैसे नहीं देता था, मेरे पास पैसों की कमी थी, इस वजह से मैंने उसका मर्डर कर दिया। अच्छा, इसमें जो माशरती लिहाज से इसको हम देखें, दोनों भाई थे, ये मुलजिम से भी जब हमारी बात हुई तो बारहा यही बात कह रहा था कि चपकलिश काफ़ी अरसे से ये चल रही थी, तो इनके फैमिली के दीगर लोगों को भी इन्वेस्टिगेट किया होगा, उनसे भी बात हुई होगी आपकी, किसी ने इनको समझाने की बिठाने की कोशिश की, कोई बात हुई क्या? जी, इनकी वालदा ने और इनके रिश्तेदारों ने काफ़ी दफ़ा समझाने की कोशिश की। असल मामला ये था कि जो मकतूल भाई है, जो कत्ल हुआ है, वो सारा फाइनेंशियल मैटर्स को देखता था, क्योंकि ये एक थोड़ा सा समझा जाता था कि अनरीजनेबल है, फाइनेंशियल मैटर्स को अच्छे तरीके से नहीं देख पाएगा, क्योंकि वही सारे फाइनेंशियल मैटर को देखता था, सारे खर्चे की जिम्मेदारी उसी के लिए थी, इसलिए ये हमेशा उससे पैसे मांगता था और उस पर लड़ाई होती थी। तो जहाँ पे भी मुश्तरक जायदाद होती है तो और पैसे किसी को नहीं मिल रहे होते या ख़र्चा उसको लगता है कि कम मिल रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बड़ा क्लासिक सा केस है। हाउएवर, इस पर मेरा ख्याल है कि ख़ानदान के लोग और गाँव वाले और नेबर्स वो एक अच्छा रोल अदा कर सकते थे कि उसको इतना ख़र्चा दिला दिया करते कि वो ऐसा वाकया ना करता। मगर दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि वो उसका भाई था जो उसको बेशक रकम नहीं देता था, कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं था कि वो भाई को, और उसके बाद अलमिया ये है कि उसके 3 साल बेटे को भी उसने कत्ल कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़, जब मुलजिम से हमारी बात हो रही थी तो वो बार बार एक बात पे एम्फसाइज़ कर रहा था कि भाई के साथ, तो मैंने उससे ये सवाल किया भी बारहा कि तुम्हें इस बात पे कोई रिग्रेट नहीं है कि तुमने अपने सगे भाई का कत्ल कर दिया है, इस बात पे तुम बारहा बात कर रहे हो कि मेरे, मुझे नहीं पता किस तरह से मेरे भतीजे को जो है वो हुआ या वो किस तरह से, एनी शाहिदीन थे कुछ वाक़े के, उनसे कुछ इन्वेस्टिगेट हुआ, कुछ पता चला कि ये जो दूसरा कत्ल हुआ है ये किस तरह से हुआ है, ये कैसे ये सारा शुरू? जी, वो जो वाक़ा हुआ है वो सारा विद इन अ फ्यू मिनट्स हुआ है। उसकी वालिदा और कुछ और लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, शायद ये खाना खा चुके थे या खा रहे थे, तो उसके बाद अचानक इनकी लड़ाई हुई दोबारा उसी बात पर जिस पर पहले से चपकलिश चली आ रही थी, और पास छुरी पड़ी हुई थी शायद कोई चीज़ काटने के लिए, जैसे सब्ज़ी वगैरह या ऐसी चीज़ की छुरी पड़ी हुई थी, उसने वही छुरी लेकर फौरी तौर पर अपने भाई पे खंजर के वार किए, छुरी के वार किए, और उसके बाद उसने साथ ही वो अपने भतीजे की तरफ लपका, और लपक कर उसने, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा था, उसने एक दो बार में उसका काम तमाम कर दिया। तो लगता यही है कि जब वो उसने वो प्लान किया कि मैं ये मर्डर करूँगा, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना इसका मुकम्मल फैमिली को ही रेज कर दिया जाए। जी, ये बताइएगा कि छुरी के वार करके इसने कत्ल किया है, ये दोनों जो किए हैं, उस दौरान कोई किसी ने छुड़वाने की कोशिश की, वालदा ने कुछ इस तरह का कुछ सामने आया? जी, वालदा क्लेम यही कर रही थी कि उन्होंने पहले भी छुड़वाया था और छुड़वाने की कोशिश भी की थी, मगर मेरा ख्याल है कि वो अचानक इतना जल्दी में हुआ कि शायद लोगों को उस पर रिएक्ट करने का मौका नहीं मिल सका। कई दफ़े ऐसे होता है कि बात करना या कहना तो आसान होता है, मगर जब वो वाकया होता है तो लोग फ्रीज़ हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आती जी, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ऐसे ही हुआ कि लोग जो हैं वो शॉक में चले गए कि ये इसने क्या किया है, और जब तक उन्होंने रियलाइज़ किया, लोगों को हेल्प के लिए बुलाया, तो वो फौरी तौर पर उनकी बॉडीज़ उठा कर हेल्प के लिए चले गए, उन्होंने एम्बुलेंस मंगवाई। तो वालदा को एक्चुअली ये एहसास ही नहीं हुआ, जब तक हम गए तो वालदा को ये एहसास ही नहीं हुआ था कि दोनों लोग मर्डर हो चुके हैं। उसका ख्याल था कि उसने एक दोस्त को छुरी या चाकू से मारा है तो वो इंजर हुए हैं, और वो हमसे बार बार यही पूछ रही थी कि मेरा बेटा बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। तो अपनी तरफ से उन्होंने एक्ट किया, हाउएवर इट वॉज़ टू लेट। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि मुलजिम की जानिब से, मुलजिम ज़ाहिर सी बात है उससे भी बात हुई है, वो ये कह रहा है कि मेरे जो भाई हैं उनकी तरफ से ये सारा मामला जो है वो शुरू किया गया है। पहले भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यही सब कुछ ये कर चुका है, ये शायद एक प्लान्ड एफर्ट भी हो सकती है, कैफे हैं, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ था, मुलजिम ने शुरू किया ये सारा? जी देखिए, अभी हमने तफ्तीश के काफ़ी से मराहिल से गुजरना है, जिसमें हमने ये देखना है कि जो FIR हुई है उसका मतन क्या है, मुलजिम का इस वक्त क्या ओपिनियन है, जैसे उसने आपसे बात की, उसके बाद जो वहाँ पे मौके पे गवाहान थे वो क्या कहते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स क्या कहते हैं, उन सारों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो उसकी रोशनी में हमें समझ आ जाएगी कि एक्चुअली क्या ऑफेंस हुआ था। फिलहाल ये कहना कबलज वक्त है कि अगर एक लड़ाई हुई या दो बंदों में तू तकरार शुरू हुई तो किसने शुरू की, और शायद ये कि तू तकरार किसने शुरू की ये इनकॉन्सिक्वेंशियल भी है थोड़ा सा, इसलिए कि अल्टीमेटली जो ऑफेंस हुआ, जो फिज़िकल हमला हुआ, वो इसी मुलजिम ने किया,
दूसरे भाई ने उसको फिज़िकली कुछ नहीं कहा, अगर मुंह से कुछ कह भी दिया होगा तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसी बड़ी वजह नहीं थी कि उस पर ये ऐसे रिएक्ट करता। तो जब हम तफ्तीश मुकम्मल कर लेंगे, लेट्स से आफ्टर अ फ्यू वीक्स, तो वील बी एबल टू बेटर एड्रेस द सिचुएशन के क्या हुआ था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा इसके दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, अखलाकी पहलू की तरफ आते हैं कि ये थोड़े अरसे से नहीं, ये काफ़ी टाइम से, ये 6-7 बरस से बता रहा है मुलजिम कि ये चल रहा था कि दोनों भाइयों के दरमियान चपकलिश भी थी, दोनों के दरमियान झगड़े भी होते रहे, ये सारा कुछ ये सब होता रहा। मुआशरे की तो आपने बताया, फैमिली मेम्बर्स ने समझाने बुझाने की कोशिश भी की, इस तरह का अगर कोई माहौल बनता हुआ आप देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आपको क्या मैसेज देंगे कि अगर कोई इस तरह की कोई सेंस कर रहे हैं आप कि कुछ इस तरह का वाकया हो जाएगा, तो ऐसे में एक शहरी होने की हैसियत से हमारा क्या रोल होना चाहिए? जी, यहाँ पे हम इसे इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि ज़रूरी नहीं हर चीज़ पुलिस के ज़रिए हल की जाए, आप इसको पंचायत के ज़रिए, क्योंकि हम जिस एरिए में हैं जड़ावाला में, यहाँ पर पंचायत का रिवाज है, तो लोग पंचायत के ज़रिए मामला हल कर लेते हैं। और फाइनेंशियल मैटर था उनका, आपस में भाइयों का लेन देन का मसला था, तो वो यकीनन एक पंचायत के ज़रिए किसी भी मोजज़ आदमी के साथ, किसी अपने ख़ानदान के बड़े के साथ, किसी रिश्तेदार को वो अपना सालिस मुकर्रर करते और फ़ैसला कर देते। अगर रकम का या जायदाद का बंटवारा होना था तो वो बंटवारा हो जाता। इसके अलावा यह है कि जब आप देखते हैं किसी में एग्रेशन का अंसर नुमाया है, जैसे इसमें हमें लग रहा है कि वो एग्रेसिव है और उसने भाई को मार दिया, तो उसके लिए हमें अगर देखना चाहिए क्या उसको किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। इस केस में तो नहीं थी, मगर लोगों को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, हो सकता है कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो अगर उसको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो उसको वो हेल्प दी जाए। और अगर आप समझते हैं कि इसने खुदा ना खास्ता मर्डर कर देना है, इनकी लड़ाई इस नहज पर पहुँच रही है कि एक कॉग्निजिबल ऑफेंस हो जाएगा, तो फौरी तौर पर पुलिस को आपको इतला देनी चाहिए ताकि पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन कर सके। पुलिस के पास तरीका है कि वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है और उन्हें कहती है इन्हें बाउंड डाउन कर दें, अगर पुलिस को लगता है कि वायलेंट है तो हम उसका मेंटल चेकअप करा सकते हैं। हमने यहाँ एक दो लोगों के मेंटल चेकअप भी करवाए हैं जब हमें लगा कि वायलेंट थे, तो हम ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिससे एटलीस्ट वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैं ये काम ना करूँ कि पुलिस के मैं इस चक्कर में फंस जाऊँगा। हाउएवर, ये एक सोशल लेवल है, तो सोशल लेवल में रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली की और उसके इर्द गिर्द के लोगों की, गांव वालों की है कि को पंचायत करते, को सालिस मुकर्रर करते, आप इसमें मिल बैठ के इस चीज़ का हल निकाल लेते। उसकी वालदा हयात थी तो वालदा एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकती थी, और अगर वो बच्चों को अलहदा कर देती तो शायद ये इस किस्म का प्रॉब्लम ना होता। तो जो कई दफ़ा हम अपनी लेगेसी के साथ और प्रॉपर्टी के साथ स्टिक करते हैं कि प्रॉपर्टी इकट्ठी रहे, उससे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक को ज़्यादा मिल जाता है, एक को कम मिलता है, और जिसको कम मिलता है आमतौर पे वो कोई ना कोई ऑफेंस परपेट्रेट कर देता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि वालदा से मुतालिक बात हुई कि वालदा उनकी हयात थी, इस चीज़ को वो बेहतर तरीके से बच्चों को एड्रेस जो है वो किया जा सकता था। इसके अलावा एक तो जायदाद का तनाज़ा जो बादी नज़र में जो सामने आ रहा है कि ये है, और भी कुछ पहलुओं पे कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट के इसके अलावा कोई और मसला हो सकता है भाइयों के दरमियान, भाई की बड़े की शादी नहीं हुई थी, कोई इस तरह का कुछ? जी, हम खुले जहन के साथ, ओपन माइंड के साथ तफ्तीश कर रहे हैं और हम तमाम हकाइक को मद्देनज़र रख रहे हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि जो बड़ा भाई है जिसने मर्डर किया उसकी शादी भी नहीं हुई थी, दूसरे की शादी भी हो गई थी, बच्चा भी था उसके पास, फाइनेंशियल सारी चीज़ भी उसके पास थी, तो कोई जेलसी का आंसर भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। उसके लिए हम उसको ओपन जहन से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज की कि आफ्टर अराउंड 2-3 वीक्स व्हेन विल बी डन विद द इन्वेस्टिगेशन, देन विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि हम बता सकें कि एक्चुअली क्या हमारी तफ्तीश के मुताबिक क्या कंक्लूजन निकल के सामने आया। बहुत शुक्रिया सर आपका। बरादरान यूसुफ़ के से मुतालिक पढ़ा भी, सुना भी, और एक वक्त में बैठ के ये सोचा करते थे कि कैसे संगदिल हो गए वो भाई जिन्होंने अपने ही भाई का गला, अपने ही भाई को मारने की कोशिश की, और फिर बहुत सारे वाकयात ऐसे जो दूर कहीं ख़बरों में सुनना, किसी से सुनना कि भाई ने भाई के साथ ऐसा किया है, लेकिन ये वाकया बिल्कुल इंसानी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। जब जानवर भी एक साथ पैदा होते हैं तो वो भी अपनी जिंस का ख्याल रख रहे होते हैं, तो ये कैसा भाई था जिसने ना सिर्फ अपने भाई का कत्ल किया बेईमाना तरीके से, बल्कि अपने सगे भतीजे का भी उसी तरह से खून किया अपनी सगी वालदा के सामने,
बहुत सारे पहलू तकलीफ दे पहलू हैं। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एसपी साहब और उनकी टीम इस केस को, और इसकी जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह एक फॉलो अप स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सबीउल हसन ख़ान को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।